भगवान शबरी जी को कह रहे हैं कि मेरी पहली भक्ति है संतों का साथ करना। संतों का साथ करना, संतों के साथ रहना और संतों से लाभ उठाना। कोई शब्द ऐसा नहीं है, कोई उपमा ऐसी नहीं है जिसके अर्थ अनेक न निकाले जा सकें। जिस संदर्भ में बात कही जाती है, बात केवल उस संदर्भ में ही सुननी चाहिए। उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं। यहाँ पर बात केवल इतनी कही जा रही है कि भगवान राम कहते हैं शबरी जी से, मेरी पहली भक्ति है व्यक्ति संतों का साथ करे। तो उसमें जो नौ भक्तियाँ हैं, उन नौ भक्तियों का जो उद्देश्य है उसको पहले पकड़ना चाहिए। पहली भक्ति किसके लिए है, दूसरी भक्ति किसके लिए है, तीसरी भक्ति किसके लिए है, इसमें संत महत्वपूर्ण नहीं है। संत की भक्ति में, सत के संग में भी भगवान की भक्ति है। भगवान कहते मेरी पहली भक्ति है। हमें प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरणों में रति के लिए पहला कार्य है कि व्यक्ति संतों का साथ करे। इस बात को हम आपको, जो लोग हमसे परिचित होंगे वो निश्चित रूप से हमारे इस भाव को समझ जाएंगे। मैं स्वयं परम पूज्यपाद गुरुदेव श्री राम किंकर जी महाराज उनके चरणों में रहता था। तो जब मैं उनके चरणों में रहता था, जब मैं आया तो जो प्रभावित हुआ महाराज जी से, सबसे पहले वो उन्होंने मुझे मिठाई दी थी और एक एक के दो नए नोट दिए थे। तो पहले दिन जो हमारा प्रभाव महाराज जी के प्रति था वो ये था कि उन्होंने हमें मिठाई दी और दो रुपए दिए। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, तो क्या हम ये बताना चाहते हैं कि मिठाई और दो रुपए जो होते हैं वो संतों के पास जाने का फल है? नहीं नहीं, संतों के पास जाने का फल दो रुपए और मिठाई तो नहीं है। लेकिन अगर मिठाई और दो रुपए संतों के चरणों में प्रेम बढ़ाते हैं, तो संतों के चरणों में प्रेम बढ़ने का तात्पर्य भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ना हो जाएगा। क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम उस संत का है और आपका प्रेम उस संत में है, तो परिणाम क्या होगा कि आपका प्रेम जो संत के चरणों में होगा तो वो संत के पास जाकर के सहज रूप से उनके चरणों में प्रेम करने का परिणाम भगवान के चरणों में प्रेम सहज रूप से हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। एक समय ऐसा था जब हम सुंदरकांड का पाठ करते थे अपने घर के सामने हनुमान जी के मंदिर में, तो सुंदरकांड का पाठ तो लगभग लगभग याद हो गया और कहीं कहीं हम करने लगे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस में है। उसका कारण क्या है? उस समय बालक अवस्था थी, छोटी थी, तो जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड है ये ज्ञान नहीं था, ऐसे ही संत में भगवान है ये भी ज्ञान नहीं होता है। उस समय दो रुपए में संत दिखाई देता है, उस समय मिठाई में संत दिखाई देता है। तो प्रथम कक्षा जो होती, प्रथम भगत संतन कर संगा का तात्पर्य है पहले संत के पास जाओ। तो संत जो जो करवाए, संत जो जो कहने के लिए करे, तो परिणाम क्या होगा वो आप करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी प्रगति जो होगी वो भगवान के चरणों में ले जाएगी और अंत में जाकर के व्यक्ति भगवान में निष्ठ हो जाता है। यही गुरु की और संत की विशेषता होती है। जय श्री राम।